स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ कॉर्डोट इक्वेशन एंड कोफिशियंट तो जो कॉर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं और जो कोफिशियंट है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू तो जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडरवुट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये उसके रूट है अगर हम इनको अलग करेंगे तो हम इनको लिख सकते हैं एक्स इज इक्ल टू माइनस बी प्लस अंडरवुट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडरवूड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो ये जो दो रूट्स हैं इसको हम पहले वाले रूट को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे वाले रूट को हम बोलेंगे बीटा तो पहला वाला रूट हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए और दूसरा रूट हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू ए चलिए अब टॉपिक पर आ जाते हैं टॉपिक हमारा ये है की जो दो रूट है अल्फा और बीटा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट है ए बी सी तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है तो सब में पहले हम इन दोनों रूट्स का एडिशन करते हैं यानी कि अल्फाइल अल्फा और बीटा दोनों का हम प्लस करते हैं तो अब आपके सामने अल्फा है स्टूडेंट्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए प्लस और बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अब देखिए यहाँ पर दो हमें फ्रैक्शन मिल गए हैं इसमें भी आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर टू ए है और इधर वाले रूट में भी डिनोमिनेटर टू ए है तो हम क्या करेंगे टू ए को वन टाइम लेंगे और जो न्यूमिनेटर है एज इट इज रखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और यहाँ पर प्लस साइन है और इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में माइनस बी माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस का है तो ये हो गया जीरो तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस का है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है माइनस का ये दोनों को कर देंगे कैंसिल हो गया जीरो अब क्या बच गया स्टूडेंट तो यहाँ से बच गया है माइनस तो बी और ये प्लस और माइनस माइनस बी अपॉन टू ए तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी अपॉन टू ए तो हम टू वन जर टू 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 कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए यानी के अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल गया है माइनस बी अपॉन ए तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए यानी कि अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अब बी क्या है ओफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है ओफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो यहाँ पर जो रूट्स है रूट्स का रिलेशन बताया गया है कि ओफिशियंट ऑफ एक्स का रूट और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट माइनस के साथ अब हम अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है बच्चों माइनस बी प्लस under root b square minus 4ac upon 2a. इंटू बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ओके यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम मल्टीप्लीकेशन किस तरह करेंगे तो सब में पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे टू ए इंटू टू ए ये डिनोमिनेटर में हो गया और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस तरह अब देखिये यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिए स्टूडेंट तो अब ऊपर वाली स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर यानी कि ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इस तरह हो जाएगा अब देखिये यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये रूट में है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में देखिए बी स्क्वायर एज इट इज ये माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर अब यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा कैंसल अब यहाँ पर बचेगा फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर यहाँ पर फोर वन ज फोर फोर वन जो फोर कैंसल हो गया और ये कैंसिल हो गया ए और यहाँ पर स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलेगा सी अपॉन ए तो ये पहली हमें मिल गई है अल्फा इंटू बीटा की तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी यानी कि अल्फा इंटू बीटा एक डॉट भी हम लिख सकते हैं अब c क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है और a क्या है बच्चों कोफिशियंट ऑफ एक्सक्वायर सो रिमेम्बर दीज टू फार्मूलाज वो फार्मूला कौन से है तो पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपोने और दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए रिमेम्बर दीज टू फार्मूला दो फार्मूले आप बाय हार्ट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फाइन टू बीटाइजल टू सी अपॉन ए तो ये था रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ देशन एंड कोफिशियंट ऑफ द कॉरेटिक इक्वेशन चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द कॉडिक टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इजिक्वल टू जीरो फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फाइन टू बीटा तो सबसे पहले हम कॉरेटिकवेशन लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो हम देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है आप कंपेयर करेंगे इसको कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू और बी का वैल्यू मिल जाएगा यानी x एक्स का कोफिशियंट सिक्स और कॉन्स्टेंट टर्म मिल जाएगा हमें माइनस फाइव अब आपको पहली चीज क्या मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दिस इज द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज बी का वैल्यू देखिए बच्चों सिक्स है सिक्स अपॉन ए ए का वैल्यू है टू तो ये हो जाएगा टू वन ज टू टू थ्री जिक्स अब आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन वन और इसको आप सिंपली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने मालूम कर लिया अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मालूम करना है जैसे कि क्वेश्चन का हमारा दूसरा पार्ट है अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला हमारे पास है सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ सी माइनस फाइव अपॉन ए a का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस फाइव अपॉन टू दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन तो हमने अल्फा प्लस बीटा भी मालूम कर लिया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी मालूम कर लिया अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया माइनस थ्री और अल्फा इंटू बीटा मिल गया हमें माइनस फाइव अपॉन टू वी होप दैट यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन

का बीटा के साथ डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेवन दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए स्क्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा, का कोफिशिएंट वन और बी का वैल्यू मिल जाएगा हमें माइनस थर्टीन और कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर के हमें के मालूम करना है तो सब में पहले हम अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू है माइनस थर्टीन अपॉन और ए का वैल्यू है वन तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस गेट प्लस थर्टीन अपॉन वन तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थर्टीन अब हम इसे इक्वेशन नंबर वन देंगे अब इक्वेशन नंबर टू यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले बताया था कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेवन है यानी कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स आर सेवन तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेवन दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू और ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है गिवन ठीक है अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थर्टीन है यहाँ पर प्लस बीटा और यहाँ पर माइनस बीटा है तो अब इसको हम एड कर देते हैं तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ओके स्टूडेंट इक्वेशन नंबर वन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थर्टीन एंड इक्वेशन नंबर टू इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेवन चलिए हम इसको ऐड करते हैं तो यहां पर देखिए प्लस बीटा माइनस बीटा ये हो गया कैंसल अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस अल्फा ये हो गया टू अल्फा इक्वल टू थर्टीन प्लस सेवन ये हो गया ट्वेंटी चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अल्फा इज़ इक्वल टू का वैल्यू मिल गया अल्फा का वैल्यू किसी में हम रखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये हमारी वन है तो इक्वेशन नंबर वन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थर्टीन है वैल्यू हम टेन रखना है तो टेन प्लस बीटा इज इक्वल टू थर्टीन हो जाएगा स्टूडेंट देन बीटा इज equal to what 13 this plus 10 will go to the right hand side then it will become minus 10 then beta is equal to 13 minus 10 आप करते हैं तो आपको मिलता है 3 तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया है 10 और बीटा का वैल्यू मिल गया है आपको 3 अब नेक्स्ट फार्मूला रखेंगे नेक्स्ट फार्मूला है हमारा अल्फा into beta is equal to what c upon a चलिए अल्फा अल्फा का वैल्यू है 10 into beta का वैल्यू है 3 और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा है k और a का वैल्यू है a is equal to 1 तो यहां पर हम 1 लिख देंगे then ये हो जाएगा टेन इंटू थ्री मतलब ये होगा थर्टी और के अपॉन वन को हम के लिख सकते हैं यानी कि का वैल्यू आपको मिल गया है थर्टी तो हमने के का वैल्यू फाइंड आउट किया अब हम हमारे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए गए हैं यानी कि अल्फा का वैल्यू भी दिया गया है और बीटा का वैल्यू भी दिया गया है तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला है एक्सक्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अगर ये फार्मूला आप रखते हैं तो इस फॉर्मूले को आप बाय हार्ट कर लीजिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटाजिक टू जीरो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना पाएंगे अगर आपको रूट्स मालूम है अल्फा और बीटा का वैल्यू मालूम है तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं तो एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं अब इस एग्जाम्पल में देखिए द ऑप्टेंट इक्वेशन इफ रूट्स आर माइनस थ्री एंड माइनस सेवन तो सबसे पहले हम रूट्स को सपोज कर लेंगे तो आप लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस सेवन अब जैसे कि फॉर्मूले में है अल्फा प्लस बीटा और अल्फाइन टू बीटा तो हम अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अब अल्फा का वैल्यू है माइनस थ्री प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस सेवन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस थ्री प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा देन अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा स्टूडेंट माइनस टेन ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरी जो चीज मालूम करना है वो है अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का वैल्यू है माइनस थ्री इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस सेवन तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री को माइनस सेवन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस ट्वेंटी वन अब फार्मूला लिख लीजिए फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए बनाने के लिए तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर्मूला आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस टेन तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो चलिए अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस बन गया बच्चों प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली जिनके रूट्स हैं माइनस थ्री एंड माइनस सेवन चलिए अब आपको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन को आप सोल्व करो यानी कि इसके रूट्स मालूम करो तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे आप ट्वेंटी वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेंटी वन हो जाएगा अब आप इसके आपको दो फैक्टर्स मालूम करने हैं. हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें सेवन थ्री ट्वेंटी वन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सक्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो अब इनमें से हम कॉमन ले, ले लेंगे एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सेवन और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे थ्री तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री सेवन जार ट्वेंटी टू जीरो मिल गया एक्स प्लस सेवन अगेन कॉमन हो गया एक्स प्लस थ्री यहाँ पर बच गया इज इक्वल टू जीरो सकते हैं एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एडवांस इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं देन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री अब देखिये यहाँ पर माइनस सेवन माइनस थ्री ये दो रूट्स यहाँ पर दिए गए थे तो अगर आपको रूट दिए गए हैं तो आप इस रूट से इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके अल्फा अल्फा बीटा बीटा तो, तो स्टूडेंट इस, इस बॉक्स के अंदर की जो मालूम दी है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब देखिए एक्टिविटी नंबर वन इसको हम सोल्व करेंगे राइट द इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ द रूट इज टेन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू नाइन अब ऑलरेडी यहाँ पर एडिश की बात हो रही है स्टूडेंट और दूसरी जो चीज है वो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर रूट्स का एडिशन दिया गया यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है वो है टेन और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट का भी वैल्यू दिया गया है नाइन अब आपको सिंपली कॉर्डिगएशन फॉर्म करना है तो फॉर्मूला आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो ये कोर्डिगेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे टेन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी रख देंगे नाइन इज इक्वल टू जीरो मिल गई एक्सक्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब एक्टिविटी नंबर टू देखिए एक्टिविटी नंबर टू इज वट विडिकल्फाइज टू टू बीटा इज इक्ल टू फाइव तो हमारे पास फॉर्मूला है यहां पर एक्स्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे एक्सक्वायर का एक्सक्वायर अल्फा का वैल्यू है बच्चों टू और बीटा का वैल्यू है फाइव तो टू प्लस फाइव और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब टू इंटू फाइव अब यहां पर देखिए डेट इज एक्सक्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर लिखना है तो एक्सक्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो वन होता है अब देखो टू प्लस फाइव करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेवन और टू इंटू फाइव करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन तो वो आपकी कॉन्डिक्शन हो गई वन एक्सक्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो वी होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट हम ये जो वीडियो आपके सहूलत के लिए बना रहे हैं जितना ज्यादा इजी हो सके उतना ज्यादा हम इसको इजी करके आपको समझा रहे हैं तो हमारी इस कोशिश को आप हमारे वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे आपके दोस्तों तक स्टूडेंट इस तक इसको शेयर कीजिए कीप वॉचिंग अवर वीडियोज